तो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त चीज देखने को मिल रही जमीन के इस तली पे। तो भाई फिलहाल हम लोग ये वाला चश्मा पहन के अब अंदर कूदने ही वाले हैं। कसम से आज अगर हम चले जाते ना बहुत कुछ मिस कर जाते। ये जगह दिखाने लायक है कसम से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से फिफी आइलैंड से आपका स्वागत है। अभी हम चलेंगे बहुत सारी मस्तियां करने के लिए समुंदर के अंदर और जाएंगे समुंदर के तली के नीचे और देखेंगे कि समुंदर में क्या क्या दिखता है। तो स्नॉर्कलिंग भी करेंगे। यहाँ पे 3-4 आइटम हैं जो ख़ास तौर से लोग घूमने के लिए आते हैं, वही जगह पर जाते हैं। हम चलते हैं, टूर पैकेज कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि टूर कितने में होता है और यहाँ का नज़ारा। ये शायद रास्ता है जहाँ से मुझे जाना चाहिए, 300 मीटर के आसपास शायद यही है। हाँ तो चलते हैं यहाँ से। मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ एक्चुअली, काफ़ी लेट हो गया ऑलरेडी, अभी 12-1 बज गए हैं। तो चलते हैं जल्दी से और इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। भी आइलैंड में आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी ले लेंगे, बाइक ले लेंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ अलाउड नहीं है। एक भी व्हीकल नहीं है, सब कुछ यहाँ पे चल के जाना आना होता है और सिर्फ गवर्नमेंट वाले हैं वो बाइक चलाते, बस कोई कोई बंदा मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं है भाई। तो हम चलते हैं, कंटिन्यू लेट हो रहा है काफ़ी यार। ओ भाई साहब चले गए ऑलरेडी, 2 बज गया यार। तो अब ये 7-Eleven में से मैंने खाना लेने के बाद यहाँ से बोट बुक किया है। ये दुकान है, अगर आप भी आओ तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, नाचा ट्रेवल करके ये दुकान का नाम है। ओके, ये भाई भी है यहाँ पे बुक करेंगे। तो डिस्काउंट तो मुझे नहीं दिया है, पर हाउ मच प्राइस? 450 बाट हाफ डे। ओके ओके ओके, लेट्स गो। आप कौन सा? एंजॉय योर ट्रिप कप, एंजॉय योर ट्रिप कप। या या, थैंक यू, बाय। और ये जो पीले शर्ट वाली है ना, इसको फॉलो करना, ये हमें बोर्ड तक ले जाएगी। ओ ये है पीपी आइलैंड का फेरी स्टेशन। मीन्स हो गया 900 रुपये का करीबन 850 के, और जिसमें आधा दिन हमको टूर कराएंगे। अभी 2 बज रहे हैं और शाम को 7:30 बजे वापिस आएंगे। देखो बहुत सारी बोट हैं और ऐसी बोट है जिसमें हम जाएंगे। और ये फेरी बड़ी वाली है ना, वो फुकेट या कराबी या एक दूसरा आइलैंड वहाँ से आती है। देखो हम लोग जा रहे हैं इसी बोट में बैठने के लिए, वो जो सामने बोट हैं, धीरे धीरे सब लोग बैठ रहे हैं तो हम भी। भाई फिलहाल हमारी बोट यहाँ से पीपी आइलैंड से निकल चुकी है और अब हम जाएंगे यहाँ से कुछ दूर, जहाँ पे करेंगे स्नॉर्कलिंग, मतलब समुंदर के अंदर जाएंगे और मछलियाँ वगैरह देखेंगे। और एक बीच है दूसरा, उसको माया बीच बोलते थे, तो वहाँ पर जाने के 400 बात लेते हैं, यानी कि करीबन 900 रुपये, तो वो हमने कैंसिल रखा है। और ये बड़े बड़े बोट यहाँ पे खड़े हैं देखो, जिसमें हम बैठ के आते हैं कराबी से, फिर फुकेट से। आप कुछ ही देर चले होंगे, 5-10 मिनट और हम तो पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ पे है मंकी वगैरह सब, कोई वो बहुत सारे मंकी है भाई। तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे और 20 मिनट का यहाँ पे ब्रेक है। सब लोग यहाँ पे पानी में कूद रहे, हम भी कूद जाते सीधा यहाँ पे। हम भी कूद गए पानी में और टी शर्ट तो भीग गया। ठीक है यार, चल गए कोई दिक्कत नहीं, खोल के एकदम सब। असली मौज तो यहीं है बस, सही में बताता हूँ आपको। हाँ मैंने देखा था अभी, बहुत खतरनाक भाई ये है ना भाई साहब, ये छोटे हैं लेकिन है खतरनाक, पांव पकड़ लेते। वो देखो वो भाई को पकड़ लिया। खाना आपके पास हुआ तो कहानी ख़त्म हुई। देखो No, 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 no,
कुछ लोग पर्सनल यॉट लेके आते हैं और कुछ लोग हमारे जैसी सादी बोट में बैठ के आते हैं। ये देखो यहाँ पे वही है, बंदर वाला ही काम काज है। मेरा बंदर और चट्टान देखो भाई, खड़ी चट्टान है बहुत ऊपर तक है भाई, बहुत ऊपर तक है पूरी चट्टान। यहाँ पे खड़ी चट्टान है, नीचे से भाग कटा हुआ है, ऊपर से आपको ये चट्टान बाहर की ओर उभरी हुई है और नीचे से है ना कट गई है ना, गजब। इंडियन लोग हैं कुछ और ये सब देखो, इसको बोलते हैं मंकी, मंकी वाली जगह है, अब क्या बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया। ओ देखो भाई, देखो भाई, इसको बोले यहाँ से भाग जाओ। कसम से आज अगर हम चले जाते ना बहुत कुछ मिस कर जाते, ये जगह दिखाने लायक है कसम से, बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी वो जो हम जो है ना फिफी आइलैंड वो वाला है सामने वाला, वहाँ से यहीं पहुँचे तो अभी हम चलते हैं कंटिन्यू इसको आगे करते हैं। और ये पानी देखो, आपको पानी में एकदम सामने कुछ ये होगा तो दिख जाएगा इतना। ये बंदर कितना होशियार है भाई, किसी ने कुछ खाना था तो वहाँ से खाना उठा के इधर पानी में ला के धो करके फिर खाया है, और मैं नहीं चाहता इसके इससे भिड़ने को। ये लोग है ना भाई बंदर के साथ में कुछ खाना वाना खिलाते हैं, लेकिन ये बंदर जैसे ही खाना नहीं देते हैं झड़प लेते हैं। तो क्लीन एंड इट साफ कर रहा है भाई तुम्हारे पांव पे, और फिर खाएगा इसको। ओह माय गॉड, ये सब एकदम इंसान की तरह साफ करके फिखा रहा है भाई के पांव पे। या ही इज गिविंग मी मसाज। व्हाट अ इनका तो ये दीवाना है भाई। बंसी भाई बनाना वीडियो, बना तो रहा हूँ भाई। हाँ के लिए जाते भाई साहब आइलैंड के, वो 2 मिनट का वक्त। एक हाथ से तैरना है और एक हाथ से कैमरा पकड़ कर रखना है भाई, क्या कर। अब वक्त हो गया 20 मिनट ख़त्म, हम इस बोट पे बैठते हैं और वापस जाते हैं। सब लोगों को इसने कॉल दे दिया है। लेट्स गो, एंजॉय, गुड बाय। पहले हम थे इसके पीछे की तरफ, अब हम यहाँ से जाएंगे वहाँ पे उस जगह पे और वहाँ पे करेंगे स्नॉर्कलिंग, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है वो काफ़ी डीप है
तो वहाँ पे काफ़ी सारी फसलियाँ और वगैरह देखने को मिल जाएगी। ये खड़ी चट्टान है, हजारों लाखों वर्षों से यहाँ खड़ी है। शायद मुझे लगता है पहले बहुत हजारों साल पहले टूट गई होगी, लेकिन अब नहीं टूट रही है। और ये नीचे से पूरा भाग कटा हुआ है, देख लीजिए। ओ कितनी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी है। दस से 15 मिनट के ड्राइव के बाद अब हम पहुंच गए एक बहुत बड़े चट्टान के नीचे। और यहाँ पे आपको दिख रही है एक सामने बहुत बड़ी गुफा है। फिलहाल हमें अंदर तो नहीं जाना दिया जा रहा था, बस हम बोट में से चलते हुए देख रहे थे और कंटिन्यू धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए इस जगह पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गेम है क्या? वो मार्केट है, ये पत्थर लटक रहे भाई, देखो। ओ भाई साहब बहुत बड़ा यहाँ पे, तो क्या है ये मुझे नहीं पता, गुफा है या केव है। ओ और यहाँ पे शायद स्नॉर्कलिंग करेंगे, मतलब वो कि समुद्र के अंदर जाएंगे, चश्मा और पहन के अंदर मछलियाँ वगैरह देखेंगे, जिससे हमें साफ दिखाई देगा। यहीं पे करेंगे, दिखाते हैं आपको, चलते हैं अभी। ये जैकेट पहन के और वो चश्मा वगैरह डाल के सीधा पानी के अंदर कूदते और यहाँ पे मछलियाँ देखते हैं। तो हम चलते हैं उधर देखते हैं। देखो हमारी बोट आ गई है और यहाँ पे रुक गई, एक्चुअली बंद कर दिया था। जैकेट लेके फिर कूदेंगे पानी के अंदर, मज़ा आ जाएगी कसम। तो भाई फिलहाल हम लोग ये वाला चश्मा पहन के अब अंदर कूदने ही वाले हैं, और ये है सांस लेने के लिए कुदरत। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, कैसा हमारे साथ अनुभव रहता है, अंदर क्या देखने को मिलता है मुझे नहीं पता, ट्राई करते हैं एक बार जाके। तो भाई साहब मैं अंदर तो जाके आ गया, बिना जैकेट के भी एक बार गया था, लेकिन थोड़ा पानी डीप ज़्यादा है, काफ़ी डीप है, 3-4 मीटर, तो बिना पानी जैकेट के जाना मुश्किल है, थोड़ा गलत बात है। और अंदर अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पानी के अंदर, तो चलते हैं पानी के अंदर देखते हैं। इसको पहले मुँह में पहन ले। बहुत ही जबरदस्त चीज देखने को मिल रही जमीन के इस तली पे, पानी के अंदर करीबन 2 से 3 मीटर अंदर है, और बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंग, ऐसा मैंने जिंदगी में पहली बार अनुभव किया, कभी नहीं देख पाया। वो वाली हमारी बोट है और ये अनुभव जिंदगी में पहली बार किया, कसम से बहुत ही जबरदस्त। आज हम लोग फीफी आइलैंड में ये देखते हुए, अभी आपको अंदर चल के कुछ दिखाते नीचे का नज़ारा।
देखो भाई, अब स्नॉर्कलिंग करने के बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे भी क्या हो रहा मुझे नहीं पता। एक रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है तो शायद अंदर तो ये जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता। ओली भाई कुछ बोल रहे थे 10 मिनट का रास्ता है और माया में ऐसा कुछ बोल रहे थे। देखो कहाँ जाते हैं, माया बीच जा रहे हैं तो हमको बोला ना वो माया बीच बोला है। माया बीच के 400 वो है नहीं, अंदर शायद नहीं जाने देगा लेकिन हो सकता है कुछ। तो भाई साहब अभी हम लोग 10 मिनट की बोटिंग के बाद यहाँ पहुँच गए। सामने वो जगह दिख रही है ना आपको, वहाँ पे 400 बात देने के बाद ही आपको अंदर जाने की एंट्री दी जाती है। अगर आप चाहे तो जा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं जा सकते। अभी देखो वहाँ पहुँचने के बाद ही आपको बताते हैं एक्चुअली पता क्या। देखो भाई ये पत्थर है ना, इसके बीच में से जाने का रास्ता है। ओके भाई हम पहुंच गए यहाँ पे इस डेक पे और यहाँ से देखो ऊपर जाने का रास्ता है। ओके फाइनली पहुंच गए। तो इधर जाना हो तो 400 बात देना पड़ता है अंदर जाने के लिए, हम तो नहीं जा रहे भाई। हमारी टीम के कुछ दो सदस्य इसके अंदर गए हुए हैं, इसके पीछे की तरफ माया बीच कुछ है और हमारी बोट शायद इधर लाके कहीं खड़ी करेगा, शायद ऐसा ही लग रहा है। तब तक हम एंजॉय करते हैं और वापस पानी में कूदेंगे और क्या कर सकते हैं। ये सब बोट है, पार्किंग एरिया है और ये देखो पर्सनल यॉट है इसकी।
अभी थक गए हैं, अभी ये पीछ वाले हमको दे रहे हैं नाश्ता। सबको बांट देते हैं और हम खा लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए और 3-4 घंटे इंजॉय कर लिया, इन्होंने पाइनएप्पल खिला दिया हर कोई। भाई साहब यहाँ पे हमें सनसेट देखने के लिए लाया था यहाँ से, लेकिन आज तो बादल बहुत हैं तो शायद सनसेट नहीं देख पाएंगे, ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा निराश साथ लौटना। ओके भाई साहब, अभी शाम को 7 बज रहे हैं, हम लोग अभी भी समुंदर के अंदर टिके हुए। भाई साहब देखो हमारे और ये वापस हम मंकी वाला जो एरिया है ना वहाँ पे आ गए हैं। अभी हम यहाँ प्ले क्रिकेट विथ माय जर्मन फ्रेंड इस एरिया में, और ये जो बोट है हमारी इधर ही है। मेरे को काफ़ी लगी यार पत्थरों से, इसके अंदर समुंदर के अंदर चोट भी लगी है, और अभी क्रिकेट खेलते हैं। तो भाई ये बिखरी बिखरी जुल्फे हैं और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे मैकडोनल्ड में, और यहाँ पे हमने ऑप्शन देखा कि शायद कुछ बर्गर वर्गर खा लें, आज बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन सब के सब चिकन भी पता नहीं क्या क्या है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप आओगे तो आपके लिए भी कुछ नहीं है, इस बुड्ढे को हम समझाए तो कैसे समझाए, ये हमसे नाराज़ है। तो हमारे लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ चावल का डब्बा है, बस वही खाओ, रियाज करो जिंदा रहना है तो, और एक और ऑप्शन है दूध पी लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमने आज बहुत कुछ इन्जॉय किया, कसम से मेरी ज़िंदगी का पहला सबसे बड़ा अनुभव था जो हमने यहाँ पे किया, अमेजिंग। और ये आ गई हमारी शॉप जहाँ पे हम ख़रीदारी करेंगे, इसमें वापस उसी दुकान पे आ गए, और ये भाई साहब हमें मिले हैं, पूछ रहे हैं कैसा लगा। अमेजिंग, यो एक्सलेंट, या आपको बहुत अच्छा अनुभव मिला, हमको नाश्ता भी कराया था जिसको बोलते हैं पाइन अपल। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और मिलेंगे एक नए वीडियोस में। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप अकेले खुद ही आके यहाँ पे बुक कर लीजिए, आपके साथ जो बंदे होते ना वो ऑटोमेटिक ही आपके साथ में दोस्त बन जाते आगे जा कर के, और आगे जा जा कर कहानी बहुत बड़ी बन जाती है। और जब जब ट्रिप एंड होता ना तो छोड़ने का मन नहीं करता, ऐसा हाल होता है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।